नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी नेता इमरान हुसैन ने दी जानकारी। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज होने वाला जम्मू कश्मीर दौरा एक दिन के लिए टला। आगामी विधानसभा चुनावी तैयारी की बैठक के लिए जम्मू और कश्मीर में रहेंगे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। तमिलनाडु में हुई बड़ी घटना, खदान में हुआ विस्फोट, दो लोगों की हुई मौत। त्रिपुरा में भूस्खलन के कारण 7 लोगों की हुई मौत, 2 अन्य लापता। बारिश के कारण 5,000 से अधिक लोग हुए बेघर। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन में पत्नी संग सड़कों पर उतरे पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली, प्रोटेस्ट में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर हुए रवाना, 45 साल में पहली बार किसी भारतीय पीएम का पोलैंड में होगा दौरा। बात करें आज के सोने चांदी के दाम की, तो आज के सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना 61,000 गिरकर 71,884 पर आया, चांदी भी 431 रुपए हुई सस्ती। आज शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 80,800 और निफ्टी 24,700 पर कारोबार कर रहा। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में गिरावट रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। कांग्रेस से तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही किरण चौधरी ने 2.25 महीने पहले लोकसभा चुनाव के बाद वे कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गई थी। दरअसल हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए पूर्व सीएम चौधरी वंशीलाल की बहू किरण चौधरी ने आज नामांकन दिया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि किरण चौधरी ने कहा कि मैं सबसे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी, मनोहर लाल, जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी समेत सभी विधायकों का धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुई हूँ। हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत के साथ काम किया है और आने वाले समय में भी मैं राज्यसभा में हरियाणा के सभी विषयों को उठाऊंगी। चौधरी के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि किरण चौधरी ने आज नामांकन दाखिल किया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सभी विधायक यहाँ मौजूद हैं, अन्य विधायकों ने भी किरण चौधरी को समर्थन दिया। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां जेसी बोस यूनिवर्सिटी में 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दरअसल इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे, जहां राज्यपाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में 1 घंटे से अधिक तक रही। आपको बता दें कि समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियों को पुलिस एवं प्रशासन की टीमों ने बाखूबी निभाया। बताते चले कि इससे पहले मंगलवार को पूर्व संध्या पर समारोह स्थल पर दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास भी किया गया, ताकि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज परीक्षम के परिणाम का दिन है। ये खुशी की बात है कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस बात की बहुत खुशी है कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी के सफल छात्र देश के निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दरअसल मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। उसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। दरअसल मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने यह भी बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लगातार झटके मिल रहे हैं। ऐसे में अब जेजेपी विधायक रामकरण काला उन्हें एक और झटका देने जा रहे हैं। दरअसल वे अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। आपको बता दें कि जेजेपी विधायक काला अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं।
वे दिल्ली में पूर्व सीएम के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। साथ में ये भी बताते चले कि उनके दोनों बेटे पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनके इरादे की सिर्फ घोषणा का इंतजार था, जो अब हो गया है। काला ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई विकास कार्य किए हैं और जो अधूरे हैं और जिन पर काम चल रहा है उन्हें भी सफल बनाएंगे। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री व जसपा नेता दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री व हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा पर भाजपा से सांठगांठ का आरोप लगाया है। राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ नामांकन को लेकर कांग्रेस और जसपा के बीच सोशल मीडिया पर तकरार व दस्तूर जारी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से एक्स पर एक पोस्ट करने के बाद हरियाणा कांग्रेस की ओर से तीखा प्रहार किया गया है। इसके बाद उस पोस्ट पर जसपा के आधिकारिक हैंडल से कांग्रेस को निशाना बनाकर पोस्ट डाली गई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए उनके पास विधायकों की संख्या कम है, इसीलिए पार्टी राज्यसभा उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा है कि 21 अगस्त को हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की तिथि है। अब तक हमारे पास 4-5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं, अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। तो ये थी दिनभर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।